चैप्टर 10 देख रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आपको ये डायग्राम दोबारा बनाना है अपनी आंसर बुक में और आपको डायरेक्शन बतानी है लाइट रे जब ये रिफ्लेक्ट होगी इस मिरर से। देखिए जब ये लाइन आएगी, क्योंकि ये मिरर है तो इसका मतलब इस तरफ तो आएगी नहीं, ये इसी तरफ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ये अगर आपका नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला और एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्शन का होगा वो दोनों सेम होगा। लेकिन अब बात ये है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल आ रही है आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये जो लाइन है जो आ रही है मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है वो ऐसा लगेगा कि इस फोकस से चल के आ रही है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से आ रही है ऐसे लगेगा, और जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी। अगला सवाल जो आया था दिल्ली में, इसमें देखिए कि अगर ये आपका डायरेक्शन इसमें बताना है कि रिफ्लेक्शन क्या होगा। अब चूंकि ये यहाँ पर आ रही है और फोकस से जा रही है तो बिल्कुल जो पिछला सवाल था उसी हिसाब से ये कहाँ जानी चाहिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। जो फोकस से पास हो रही है जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। आपको ये डायग्राम बनाना है अपने आंसर बुक में और डायरेक्शन बताना है लाइट रे का जब ये रिफ्लेक्ट होगा मिरर से। मिरर से ध्यान रखिएगा, मिरर से हमेशा लाइट टकरा के वापस आती है, उसके आगे नहीं जाती, जबकि लेंस से लाइट रिफ्रैक्ट होती है मतलब आगे जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आई ठीक, और उसके बाद क्या होगा कि जब ये, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से पास होगी, इसका मतलब जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये कहाँ जाएगी, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ये डायग्राम बनाना है आपका आंसर बुक में। इस आपके पास एक रिफ्रैक्शन करना है इस लेंस से, और ये आपको दिख रहा है कि कॉनकेव लेंस है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये लाइन जो है पैरेलल आ रही है, बिल्कुल सेम चीज़ होगी इसमें भी, मिरर हो चाहे ये हो। अब होगा क्या कि क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ अंदर जाके रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ भी रिफ्रैक्ट होगी, तो यूँ निकलेगी। लेकिन जो ये निकलेगी ये ऐसा प्रतीत होगा कि इस एफ से आ रही है, इस एफ से आ रही है, ये इसकी लाइन बनेगी इस तरीके से। Why does a ray of light bend when it travels from one medium to another? एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में लाइट जाती है तो वो बेंड क्यों होती है, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है, तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है हर एक मीडियम में, और चाहे मीडियम आपका कोर्स हो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम हो जिसमें थोड़ा सा कम समय लगेगा, और क्योंकि सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका ये मीडियम क्या है। जैसे ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है, फिर ये मीडियम वन पे निकल रही है, तो मीडियम वन और मीडियम टू के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है उससे पता चलेगा कि ये किस तरफ जाने वाली है, बाहर की तरफ निकलेगी या अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि रिफ्रैक्ट कहाँ होगी। तो बेसिकली ये इसीलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है। आपको ये डायग्राम रीड्रॉ करना है अपनी आंसर बुक में, आपको डायरेक्शन बताना है लाइट रे का जब रिफ्रैक्शन होगा। अब ये लेंस है आपका कॉनकेव लेंस और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना है, तो अब इस तरीके से अगर ये लाइट आ रही है ठीक, और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एफ से पास होगी, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि ये तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पर, तो कहाँ जाने वाली है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा जब भी आपके फोकस से आ रही हो या फोकस पे आती जाती हुई दिखाई दे रही हो, हमेशा पैरल कर दीजिए उसको प्रिंसिपल एक्सिस से। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरल आ रही है तो वो अगर मिरर होगा तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, लेकिन जहाँ आप बात करेंगे आपकी लेंस की तो तब भी अगर आपकी पैरेलल आ रही है इसका मतलब वो लगेगा कि फोकस है, लेकिन वो उस तरफ जाएगी, लाइट उस तरफ जाएगी। आपको मिनिमम कम नंबर ऑफ रेज जो ज़रूरत है ताकि इमेज को आप बना सकें, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कोई भी और मिरर हो, आपको एक रे डायग्राम भी बताना है ताकि फॉर्मेशन आप बता सकें जो वर्चुअल इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर से। क्योंकि बड़ा एक जिसे कहें बड़ा डिफॉल्ट सवाल है, इसमें होता ये है कि ये जो सवाल दिया है, चाहे वो मैंने आपको कहा कोई भी मिरर हो सकता है, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, मिनिमम आपको दो चीज़ें चाहिए, क्योंकि जो लाइनें हम इस तरीके से बढ़ाते हैं वो जहाँ टकराती हैं वहीं हमारी इमेज बनती है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर अगर हमको
पूछा गया कितनी आपको मिनिमम नंबर ऑफ रेज चाहिए, तो आप बताएंगे दो, चाहे कोई भी यहाँ पर कॉन्केव जगह कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस अगर ये सवाल आता है तो। और आपको रे डायग्राम बताना है, अगर आप इस तरीके से रखेंगे आपको ये बताना है कि वर्चुअल इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर से। और कॉनकेव मिरर का क्या मतलब है, मिरर का मतलब ये है कि अगर कोई भी मिरर हो, लाइट जाके वापस आने वाली है, इधर तो जाएगी नहीं, इसका मतलब ये आगे प्रतीत होने के हिसाब से हम बनाएंगे, इसका मतलब बनेगी वर्चुअल इमेज, है ना। तो अगर हम इसको एफ फोकस और पी पोल के बीच में रख दें, एक सीधी जाएगी, जो सीधी जाएगी उसको हम एफ से पास करा दें और उसको पीछे बढ़ा दें, जो सीधा ये पी पे जाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस के हिसाब से जिस हिसाब से आ रही है जिस हिसाब से चली जाएगी इसको भी हम आगे बढ़ा दें। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन जोड़ दें यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी वर्चुअल इमेज होगी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का 1.33 है, 1.33, और जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर की वो 3 इंटू या एयर में वो 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड है। आपको स्पीड बतानी है लाइट की वाटर में, तो यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट किस में, वैक्यूम में, और स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है आपके मीडियम में। तो वैक्यूम को अगर मैं सी लिख दूँ स्पीड ऑफ लाइट को, और किसी मीडियम में मैं वी लिख दूँ, तो एन होगा या म्यू होगा सी बाई वी। अब कुछ संख्याएं दी हुई है, सी आपको 3 × 10^8 दिया हुआ है, एन जो है आपका 1.33 दिया हुआ है, बस डिवाइड कर दीजिए, ये उत्तर आ जाएगा आपका। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का 1.5 है, स्पीड ऑफ लाइट जो एयर की है वो अगेन 3 × 10^8 है। आपको स्पीड निकालनी है लाइट की ग्लास में क्या होगी, तो सेम चीज़ यूज़ करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में जो सी बाई वी है वही आपका एन है। यानी अगर आपको वी निकालना हो तो क्या करेंगे, वी को ऊपर ले जाइए, एन को नीचे ले आइए, यानी वेलोसिटी उस मीडियम में, यानी कि हम यहाँ पर ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 × 10^8 डिवाइडेड बाई 1.50 यानी 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड आएगा। किस पोजिशन की ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन बतानी है आपको, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा, आपको एक्सप्लेन भी करना है रे डायग्राम से। तो पहले मैं आपको रे डायग्राम समझाता हूँ, अभी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखिए एफ फोकस और आपका ये है ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में अगर हम रखते हैं तो दो रे बनाएंगे, एक जो सीधी जाएगी वो तो फोकस से निकल जाएगी, एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो ये जो दोनों है इनको हम पीछे बढ़ा देंगे, ऐसे और ऐसे। अब यहां पर पीछे बढ़ाया ना, वर्चुअली हमने इसको बढ़ाया, एक्चुअल रे तो हमारी ये है, लेकिन हमने वर्चुअली बढ़ाया इसको पीछे, इसीलिए इसको हम वर्चुअल इमेज कह रहे हैं। और क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इमेज आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है और इमेज यहाँ है, इसका मतलब दोनों एक ही साइड में है, ऊपर की तरफ है, इसलिए ये इरेक्ट भी है। तो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पर डायग्राम से आपको पता चला कि एफ ये जो फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ये इनके बीच में रखना है, और पोजीशन जो इमेज की होगी वो उसी साइड होगी जहाँ, जैसे आपकी ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, दोनों जो पोजीशन होगी इमेज की वो सेम साइड में होगी लेंस की। और जो नेचर होगा इस इमेज का वो आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्ज है यानी कि बड़ा है। आपको बताना है कि क्यों जो लाइट रे की रे है, रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है कॉनकेव मिरर की, वो अपने पाथ में जाके दोबारा उसी पाथ से लौट आती है, इसका कारण क्या है। देखिए कि हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस के बराबर होता है, लेकिन जब आप कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं और एक रे पास कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होता है जीरो, तो वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट आर होगा, यानी कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जो आई है वो आर के बराबर होगा, आई आपका जीरो है क्योंकि आप ऑप्टिकल सेंटर पे भेज रहे हैं, तो इसलिए आर भी आपका जीरो होगा, इसका मतलब वो वहीं पर लौट जाएगी, जो रे है वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। और ध्यान रखिएगा मिरर से कभी भी लाइट पार नहीं होती है, वो अगर टकराएगी तो वापस भी आएगी और उसी पाथ पे आ जाएगी। आपको नेचर बताना है इमेज का, जो कॉनकेव मिरर बनाएगा यदि मैग्निफिकेशन जो मिरर का है वो +3, तो अब जो मैग्निफिकेशन बताया गया +3, तो पॉजिटिव साइन मैग्निफिकेशन का बता रहा है कि इमेज आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज्ड है। कौन से दो पॉइंट कॉनकेव मिरर के
उस बीच में आपको ऑब्जेक्ट रखना है ताकि आपको मैग्निफिकेशन मिल जाए -3 का। तो इसके लिए आप क्या करें, नेगेटिव साइन यहाँ पर दिखा रहा है, बता रहा है कि जो नेगेटिव साइन है मैग्निफिकेशन का, कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, जो साइज है इमेज की वो बड़ी है, इनलार्ज है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, एफ और 2F के बीच में, यानी कि आपको इन दोनों के दरमियान बीच में रखना पड़ेगा, और वो आपका सी होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 है, इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से इसको रिलेट करें तो? देखिए, जो स्पीड ऑफ लाइट का मतलब ये है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट हम किसी मीडियम में माने, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड की बात कर रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 है, इसका मतलब जो डिफॉल्ट चीज़ हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, या स्पीड ऑफ लाइट किस में, वैक्यूम में या एयर में, तो फ्री स्पेस में। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में, जो 3×10⁸ होती है, इसका मतलब जैसे ही ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगी तो ये 1.63 टाइम कम हो जाएगी, 1/1.63 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसको कह दीजिए 1.63 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इस फैक्टर से ये कम हो जाएगी। एक हॉलो स्फीयर है, मतलब खाली एक बॉल की तरह स्फीयर है, उसका जो आउटर सरफेस है एल्यूमिनियम का, इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर दिया है, इसको यूज किया गया मिरर की तरह। क्या फोकल लेंथ होगा इस मिरर का, और कौन से टाइप का स्फेरिकल मिरर आपको मिलेगा ऐसा? तो देखिए, यहाँ पर आप फोकल एफ क्या होगा, क्योंकि आप पूरी स्फेयर की बात हो ही गई है, तो एफ क्या होगा, ये आपका जो रेडियस दिया है उसका आधा, ये हम जानते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू, क्योंकि आपको रेडियस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 50 का आधा कर दीजिए 25 सेंटीमीटर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। अगला है, बिटवीन विच टू पॉइंट्स रिलेटेड टू अ कॉनके मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किन दो पॉइंट्स के बीच में, अगर आप कॉनके मिरर की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखना है आपको या रखना चाहिए, ताकि आप जो स्क्रीन जो इमेज आएगी वो ट्वाइस आएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज के ट्वाइस आएगी। तो इसके लिए आप, हम ऑलरेडी इसके लिए क्वेश्चन देख चुके हैं, एफ और सी के बीच में हमको रखना है। हाउ शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में किस तरीके से लाइट इंसिडेंट हो, ताकि ये बाहर जब निकल के आए तो ये इसमें कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना हो। ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपका इस तरीके से स्लैब है और यू लाइट आ रही है, तो वो बेंड होगी और कुछ इस तरीके से निकलेगी, यानी कि ये अगर मैं सीधा बढ़ा दूँ ये लाइन को, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। सवाल ये है कि ऐसा कुछ बताइए कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हो कि ये सीधी निकल जाए, कोई बेंडिंग ना हो। तो अभी मैंने आपको बताया, ये नॉर्मल होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब कुछ ना कुछ आपका नॉर्मल के साथ ही एंगल बना रहा है। अगर हम इस नॉर्मल के डायरेक्शन में ही भेज दें तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे भी ये, नॉर्मल भी ये, दोनों एक ही हो गए, ये भी ये, ये भी ये, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, बस सीधा निकल आएगा, लाइट सीधी निकल आएगी। एक बच्ची है, वो बहुत पतली बीम लाइट की लेजर के साथ खेल रही है, अलग अलग डायरेक्शन में एक कॉन्वेक्स लेंस में जो सीधा आपका रखा हुआ है। वो सरप्राइज हो जाती है ये देख के कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो बीम ऑफ लाइट वो भेजती है वो सीधी सीधी चली जाती है लेंस से। आपको रीजन बताना है इस ऑब्जर्वेशन का। तो जो लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है कॉन्वेक्स लेंस, वहां कोई भी आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहां पर एक लाइट ऐसी जा रही है जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो बिल्कुल सीधी निकलेगी, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, कोई भी आपका डेविएशन या रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जो रे ऑफ लाइट है वो आती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 है। ये पाया गया कि जो रे है इमर्ज होती निकलती है अपोजिट जो फेस है स्लैब का, डिस्प्लेस नहीं होती है और सीधी निकल आती है। यदि स्पीड ऑफ एयर, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपका 3×10⁸ है, तो आपको बताना है कि स्पीड इसी का, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या होगी,
तो इसके लिए कोई इसमें केवल सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम या फ्री स्पेस, और ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको अगर ये निकालना है तो सी को एन से डिवाइड कर दीजिए, सी आपका ये है और एन आपका ये है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 2 × 10⁸ आ जाएगा। जो स्पीड ऑफ लाइट है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो 0.6 टाइम्स ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, यानी एक में से है सी है तो एक में 0.6 सी है, ये है सवाल। तो अगर हमारा ये स्पीड ऑफ लाइट सी है तो इस मीडियम में 0.6 सी हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दोनों का रेशियो, तो 1/0.6 आएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, 1.67 इसका उत्तर आएगा। एक एक्सपेरिमेंट में जिसमें एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब है, जो स्टूडेंट है उसने ऑब्जर्व किया कि जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है वो एंगल है उसका 55 डिग्री नॉर्मल से एक स्लैब में। जब रिफ्रैक्शन हो जाता है तो अपोजिट फेस से जब निकलती है तो ये बनाती है 40 डिग्री आपके नॉर्मल से। आपको लेबल डायग्राम बनाना है ताकि क्या हो रहा है ऐसा इसमें, और आपको ये बताना है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा। तो कुछ इस तरीके से समझिए कि ये आपका ग्लास स्लैब है, ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बताया गया है सवाल में, दिया गया 55 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ। ओ ए आपका इंसिडेंट रे है। अब देखिए आई और आर वन बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आर वन जो पहला जो क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। अब आप कह रहे हैं कि आई और आर वन ये बराबर नहीं होगी, क्यों, उसका कारण ये है कि अगर ये कोई भी ऐसी चीज़ होती जैसे हमने मिरर वगैरह की बात की थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हम कह रहे थे, लेकिन अब मसला यहाँ पर है कि ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो ये सीधी नहीं जाएगी, मतलब ये जो एंगल है ये बराबर नहीं होंगे, बल्कि ये थोड़ी सी इसकी तरफ बेंड हो रही है। तो ये अगर 55 है तो इसको बताया गया कि ये 40 है, ये 40 है, लेकिन जब ये इधर से बाहर निकलेगी तो यहाँ पर एक और आपका एक तरीके से मीडियम आ गया, मतलब अब इस मीडियम से यहाँ जा रही है, ये इंटरफेस आ गया। तो अब देखिए ये जो आर वन है और ये जो आर टू ये बराबर है, क्यों, क्योंकि ये तो अंदर है। अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ और इसको जोड़ूँ तो ये क्या है, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। ये अगर 40 है तो ये क्या हो गया, ये भी 40 हो गया, ये एंगल 40 तो ये भी एंगल 40 हो गया। अब जब ये निकलेगा, जब ये निकलेगी तो देखिए कि ये जो लाइन होती है हमेशा, अगर इसको मैं आगे अगर आगे बढ़ा दूँ तो ये जो लाइन हमेशा होगी वो इसके पैरेलल होगी, थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ये क्योंकि पैरेलल है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, आई और ई बराबर है, तो अगर ये 55 है तो ये भी आपका 55 होना चाहिए, ये है। किस डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको रखना चाहिए आपको कॉन्वेक्स लेंस में जिसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ताकि जो इमेज है वो 24 सेंटीमीटर बन जाए दूसरी साइड। मैग्निफिकेशन भी बताना है कितना होगा, तो क्योंकि हमारे पास कॉन्वेंशन है उस हिसाब से और कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो एफ हमारा है +18 सेंटीमीटर लेंगे, वी को हम 24 लेंगे, 1/f होता है 1/v − 1/u, तो हम यहाँ पर u निकालना चाहते हैं तो बाकी दोनों संख्या रख के u निकालेंगे, −72 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा आपको 72 सेंटीमीटर लेफ्ट में कॉन्वेक्स लेंस के। मैग्निफिकेशन होता है वी बाई यू, वी आपके पास है, यू अभी अभी हमने निकाल लिया, यानी −1/3। अब माइनस का मतलब ये है कि, और क्योंकि ये लेस देन वन है तो इमेज, मतलब कहने का मतलब ये वैल्यू है वन से कम है तो डिमिनिश होगी, यानी कि इमेज छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। अब कितनी दूरी पर आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस से जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ताकि इमेज आपकी 30 सेंटीमीटर बने लेंस से। हाइट क्या होगी उस इमेज की यदि ऑब्जेक्ट आपका 6 सेंटीमीटर है, तो सेम कॉन्वेंशन हम रखेंगे, एफ आपका 20 सेंटीमीटर, वी आपका 30, इस फॉर्मूले में डालेंगे, आपको यू निकालना है, वी और एफ पता है, यू आपका −60 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट को −60 सेंटीमीटर या माइनस का मतलब ये है कि आपको डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर रखना है लेफ्ट साइड, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में रखना है। जब भी इस डायरेक्शन में आप नापते हैं तो नेगेटिव होता है, इसीलिए। मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो होता है V/U। अगर आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जा लीजिए, ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं,
प्रॉपर साइन के साथ मल्टीप्लाई करिए, -3 सेंटीमीटर आएगा। ये माइनस बताता है इमेज आपकी इन्वर्टेड है और रियल है। जो इमेज है ऑब्जेक्ट की जिसको 60 सेंटीमीटर रखा गया लेंस के आगे, वो इस तरीके से हमको मिली। जो स्क्रीन है वो डिस्टेंस पे है 120 सेंटीमीटर वहां से। फोकल लेंथ आपको निकालना है और आपको हाइट निकालनी इमेज की, यदि ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल सेम सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कॉन्वेंशन लेंगे क्योंकि हमको बताया गया है कि एक ये जो लेंस है इसमें यू हम लेंगे -60 सेंटीमीटर, वी हम लेंगे 120। सीधा कॉसन कन्वेंशन हम लगाएंगे, 1/f होगा 1/v -1/u। आपको f निकालना है, v और u आपके पास है, f यहाँ से 40 सेंटीमीटर निकलेगा। मैग्नीफिकेशन होता है v बाय यू, एच आई बाय एच ओ, इन दोनों को इक्वेट करिए। आपको निकालना है एच आई, तो इसको यहाँ ले जाइए, जीरो वैल्यू आपके पास है, 10 सेंटीमीटर आएगा। तो ये एक और पार्ट हमने देखा सवाल जवाब का, जो बोर्ड में आए थे, और भी बाकी है। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।